हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपकी अपनी वाईपी कंप्यूटर क्लासेस की टू क्रिएटिव लर्निंग में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइव कंफ्यूजिंग पॉइंट्स ऑफ माय एसक्यूएल पार्ट टू। दिस इज पार्ट टू। ओके, ऑलरेडी मैं पार्ट वन बना चुका हूं, उसे आप देखिए, उसी का कंटिन्यूशन है ये, जो एग्जामिनेशन हॉल में ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, ये तो आपको पता ही है। एंड ये आपको हेल्प करेगा सीबीएसई क्लास 12th टर्म 2 कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस एग्जाम में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। कंफ्यूजन नंबर 6, बिकॉज ऑलरेडी कंफ्यूजन 5 में डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ कंफ्यूजन नंबर 6। ये कंफ्यूजन है रिलेटेड टू नल वैल्यूज। ओके, अब नल को आप हल्के में नहीं लेना है कि बस थोड़ा सा पढ़ लिया और हो गया। ओके, तो अभी सपोज नल पर डिपेंडेंट आपको कोई कंडीशन लगाना है, जैसे आपको वेयर क्लॉज लगाना है, वेयर अगर आप लिखते हो नेम इज इक्वल टू ए बी सी, ओके, सिंगल कोट्स के अंदर या डबल कोट्स के अंदर इज इक्वल टू आ जाता है, बट यहीं पर नल को चेक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेयर नेम इज नल। ओके, तो यहां पर आप चाहो तो कैपिटल में, कैपिटल स्मॉल यहां मैटर नहीं करता है। ओके, नल को सिंगल कोट में नहीं देना है, एक तो पॉइंट आपको ये याद रखना है। ओके, तो नल एक वैल्यू है जो डायरेक्टली NULL लिखना होता है, और इसमें हमें लगाना होता है क्या, इज ऑपरेटर। तो नल के साथ आपको क्या करना है, इज ऑपरेटर लगाना है। ओके, इज इक्वल टू नहीं आएगा तो वो एक एरर पॉइंट आ जाएगा। ओके, दूसरा नल का प्रॉब्लम आता है कैलकुलेशंस में, कि जब आप कोई स्टेटमेंट लिखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा सेलेक्ट और कोई भी कॉलम नेम, सपोज एक कॉलम है सैलरी प्लस 100, 100 से आप इंक्रीज करना चाहते हो फ्रॉम T1, एंड आपके कुछ रिकॉर्ड्स हैं, जैसे लेट फ्यू रिकॉर्ड्स, सपोज एक रिकॉर्ड है 10,000 का, ओके, और एक रिकॉर्ड है 15,000 का, और एक रिकॉर्ड है नल, ओके, और एक रिकॉर्ड है जीरो। यहाँ पर आपको जीरो एंड नल में डिफरेंस भी पता चल जाएगा। ओके, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, एक तो इसका बस ओनली 100 हमें ऐड करना है, तो 10100 हो जाएगा, एंड यहाँ पर आ जाएगा 150100। ओके, ये यहाँ पर जीरो गड़बड़ हो रहा है, राइट, ये जीरो नहीं आएगा। ओके, एंड यहाँ जब नल प्लस 100 होगा तब क्या रिजल्ट आएगा, नल आएगा। ऑलवेज नल के साथ जो भी कैलकुलेशन करोगे आपका रिजल्ट नल आने वाला है, जीरो के साथ जब करोगे तो एज इट इज आ जाएगा, ओके, 100 आ जाएगा। तो ये याद रखिए, नल के साथ कोई भी कैलकुलेशन करने पर उसका रिजल्ट क्या आएगा, नल आएगा। तो ये कंफ्यूजन 6 हमारा यहाँ पर क्लियर हो जाता है रिगार्डिंग नल। ओके, नाउ कंफ्यूजन 7। कंफ्यूजन 7 में क्या आएगा, कंफ्यूजन 7 में मैंने रखा है काउंट फंक्शन। काउंट एक आपने देखा एस्ट्रिक, एक है आपके पास काउंट कॉलम नेम, सपोज कॉलम का नाम ले लिया C1, और एक और आपको काउंट मिलेगा काउंट डिस्टिंक्ट C1। ओके, C1 में हमें वैल्यू एज्यूम करना पड़ेगा। C1 में सपोज हमने कुछ वैल्यूज एज्यूम कर लिए, क्या एज्यूम करें, कुछ न्यूमेरिक वैल्यू एज्यूम कर लेते जिससे कि वो जल्दी से कैलकुलेशन में आ जाएगा। ओके, जैसे सपोज हमने लिया 1000 लिया, 2000 लिया, एक आपने नल वैल्यू ले लिया, और अगेन 2000, राइट, तो ये वैल्यूज लिए हमने। अब काउंट एस्ट्रिक क्या करता है, ऑल वैल्यूज को काउंट करेगा, मतलब इंक्लूडिंग नल वैल्यूज, तो 1 2 3 4, यहाँ रिजल्ट आ जाएगा 4। यहाँ पर क्या होता है, नल वैल्यू काउंट नहीं होती, तो यहाँ रिजल्ट आएगा 3। ओके, और यहाँ पर भी कॉलम का नाम मेंशन है, तो जब कॉलम का नाम मेंशन होगा तो नल तो आएगा नहीं, बट डिस्टिंक्ट की वजह से डुप्लीकेट वैल्यू भी वन टाइम काउंट होगी,
तो यहाँ पर रिजल्ट केवल 2 रह जाएगा। ओके, जो 2002 टाइम आ रहा है तो वहां पर वो वन टाइम काउंट होगा और 1000 काउंट हो जाएगा, नल काउंट होगा नहीं, इसलिए इसका रिजल्ट 2 आएगा, यहाँ पर 3 होगा एंड 4 होगा। तो एग्जाम से पहले ये क्लियर कर लेना। ओके, नाउ टाइम फॉर कंफ्यूजन 8, सॉर्टिंग विद एलियास नेम। सॉर्टिंग मतलब सॉर्टिंग किससे होता है, ऑर्डर बाय क्लॉज से होता है, बट नॉर्मल कॉलम से तो सॉर्टिंग हो जाएगा। जो हम एलियास नेम बनाते हैं या अलाइज नेम बोल सकते हैं, कोई भी प्रोनाउंसिएशन उसका रखिए, तो क्या उसके थ्रू पॉसिबल है सॉर्टिंग होना? जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ही एक टेबल बना रहा हूँ, मतलब एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, सेलेक्ट एंड यहाँ पर कुछ कॉलम के नाम हैं जैसे नेम, और हमने लिया एक सैलरी लिया और सैलरी का एलियास नेम फिक्स कर दिया एज एस ए एल। ओके, ये इसका एलियास नेम है फ्रॉम T1 टेबल का नाम है। अब मुझे ऑर्डर बाय लगाना है, ऑर्डर बाय, अगर मैं एलियास नेम नहीं बनाता, मुझे सैलरी को सपोज असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाना है, तो यहाँ पर मैं सैलरी लिख सकता हूँ। तो क्या मैं यहाँ पर ऑर्डर बाय में सेल एलियास नेम के थ्रू कर सकता हूँ, ए एस सी या फिर डी ई एस सी, दोनों में से कोई भी एक कीवर्ड आएगा, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग रहता है, याद रखना। ओके, तो यहाँ पर बस पॉइंट ये है, क्या ये कमांड वैलिड है? तो यस, डेफिनेटली ये कमांड वैलिड है, एलियास नेम के थ्रू भी आप सॉर्टिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर सपोज ये पॉइंट स्किप हो गया है तो यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे कंफ्यूजिंग पॉइंट में रखा है। तो ये याद रखना है आपको कि नॉर्मल आप सॉर्टिंग असेंडिंग डिसेंडिंग में ऑर्डर बाय यूज करके आप कर लेते होगे, बट यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना है। नाउ पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 में मैंने क्या रखा है, हैविंग एंड वेयर क्लॉज, हैविंग एंड वेयर, बिकॉज दोनों ही कंडीशंस में हेल्प करती हैं। हैविंग में भी कंडीशन आता है, वेयर में भी कंडीशन आता है, बट वेयर की कंडीशन तो आपने बहुत यूज की होंगी। ओके, तो जो भी आपका डेटा है वहां पर वेयर कंडीशन लगाते हैं, उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हैविंग का याद रख लीजिए कि जब भी आपका ग्रुप बाय क्लॉज आएगा, ग्रुप बाय, ओके, और आपने कोई भी ग्रुप बना लिया, सपोज डिपार्टमेंट का ग्रुप बना लिया डीपीटी नंबर का, ओके, फिर आप जो हैविंग कंडीशन लगाओगे, हैविंग क्लॉज के साथ जो कंडीशन लगाओगे, यहाँ कंडीशन हमेशा एग्रीगेट फंक्शन पर आती है। जैसे आपने लिया मैक्स सेल ग्रेटर देन 15,000, ओके, जो भी मैक्सिमम सेल होगी वो 15,000 से अबव होगी। तो जब भी आपको फील हो रहा है एग्रीगेट फंक्शन पर कंडीशन लगाना है, तो वहां पर ग्रुप बाय आएगा और तभी आप हैविंग लगा सकते हो, विदाउट ग्रुप बाय हैविंग नहीं लगा सकते हो। ओके, वेयर तो इससे पहले आप लगा ही सकते हो, जो नॉर्मल कंडीशंस पर आपको लगाना है, वेयर के एग्जांपल्स आपको बहुत मिल जाएंगे। बस दोनों में डिफरेंस बस यही याद रखना है, जब आपके पास टेबल में डेटा है तो नॉर्मल टेबल के डेटा पर कंडीशन लगाना है तो वेयर लगेगा। ओके, जैसे ओनली सैलरी पर कंडीशन लगाना है कि सैलरी मस्ट बी ग्रेटर देन 10,000, ओके, तो ओनली सैलरी पर लगाना है, ये हो जाएगा, बट फंक्शन पर लगाना है जो एग्रीगेट फंक्शंस हैं, तो हैविंग के साथ ही आएगी कंडीशन, और कोई रास्ता नहीं है, तो ये याद रखना है। नाउ लास्ट कंफ्यूजिंग पॉइंट, पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 10 में है केयर और वेयर केयर में डिफरेंस, केयर एंड वेयर केयर में डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। केयर जो है फिक्स वेरिएबल लेंथ प्रोवाइड करता है, फिक्स्ड वेयर लेंथ, ये याद रखिए, और ये वेरिएबल लेंथ प्रोवाइड करता है। अब ये थ्योरी में नहीं समझ में आता है व्हाट इज फिक्स्ड एंड व्हाट इज वेरिएबल लेंथ, इसका प्रैक्टिकली आप इम्प्लीमेंट समझना है कि जैसे कोई भी एक नेम फील्ड है और उसको हमने केयर असाइन कर दिया 20, ओके, और वेयर केयर असाइन कर दिया 20, तो दोनों में क्या होगा कि अगर आपने नेम एंटर किया है यहाँ पर रवि,
सपोज रवि एंटर किया है तो यहाँ पर 1 2 3 4 फोर लेटर्स यूज हुए, बट स्टिल ये कंप्लीट मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा होगा 5 6 7 up to 20, ऑल 20 कैरेक्टर्स की मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा होगा। अगर इसका साइज पूछा जाएगा तो पूरा 20 बाइट्स जाएगा इफ इट इज टेक 1 बाइट। बट इन केस ऑफ वेयर केयर क्या होता है, इफ यू राइट रवि ओके तो 1 2 3 4 बाइट्स की मेमोरी इट विल टेक एंड रिमेनिंग मेमोरी ये फ्री कर देता है, मतलब रिमेनिंग मेमोरी ऑक्यूपाई करके नहीं रखता है। दैट्स व्हाई वी मोस्टली यूज वेयर केयर। आपने देखा होगा कि सेम डेटा केयर में चला जाता है, सेम डेटा वेयर केयर में जाता है, स्टिल वी आर यूजिंग वेयर केयर बिकॉज इसमें मेमोरी सेव होता है। ओके ये आपको याद रखना है। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए अगर आपको इसका पार्ट 3 चाहिए तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, पार्ट 3 जल्दी ही मैं बनाकर अपलोड कर दूंगा। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड लक फॉर एग्जाम्स।